नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं? आज अगस्त की 6 तारीख है। मेरे किसी भाई बहन की फरमाइश थी कि नीम के प्लांट का अपडेट दिखाया जाए, तो ये मेरा क्यूट सा, ये देखिए नीम का प्लांट, ये छोटी सी डिब्बी में ये लगा हुआ, ये आप देख रहे हैं इस तरह से। ये नीम का प्लांट, ये देखा छोटी सी डिब्बी में लगा हुआ। ये है, तो इस पे पतझड़ भी आया और ये सब न्यू ग्रोथ। और जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी तो इसको मैंने क्यारी में रख दिया हुआ था छुपा के, ताकि इस पे लू का कोई असर ना हो। और अभी मैंने इसको क्यारी में से निकाला है, तो ये इस तरह से है। ये सब न्यू ग्रोथ है इसकी। तो ये क्यूट सा मेरा ये नीम का प्लांट, ये देखिए जिन भाई बहनों ने मेरे ये फरमाइश की थी अपडेट देखने की, तो ये उन्होंने देख लिया होगा। इतनी सी छोटी सी डिब्बी में, बिल्कुल छोटी सी डिब्बी में, ये छोटी सी डिब्बी में ये देखिए नीम का प्लांट। ये आप देख रहे हैं, हालांकि इसकी मैंने अभी कोई केयर नहीं की है, इसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। तो अब मैंने जैसे इसको निकाला है, और जब मैं कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी तो फिर अब मैं इस प्लांट को भी दूंगी, तो इसकी जो हेल्थ है फिर और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो क्यारी में भी पड़ा पड़ा ये देखो खूब अच्छे से, ये तो इतने हार्डी प्लांट होते हैं इसके नीम के कि ये तो आराम से चल पड़ते हैं, बीज से आराम से ग्रो हो जाते हैं। तो आप छोटी से छोटी डिब्बी में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। और मेरे यहाँ तो ये हर साल जब इसके बीज तैयार होते हैं तो इतने सारे प्लांट्स उगाते हैं वो चिड़िए मेरे, क्योंकि छत पे खूब सारे दाना खाने आती हैं, और क्यारी में भी और छत में भी उन्होंने फैला रखे होते हैं, और खूब सारे प्लांट्स निकल आते हैं छोटे छोटे। हालांकि मेरे घर के आसपास बहुत दूर दूर तक कोई नीम का प्लांट भी नहीं लगा हुआ है, तो कुछ सालों पहले लगा हुआ था, तो वो काफ़ी साल पहले जब उसकी जड़ें खूब बड़ी हो गई थी तो उन्होंने उसको हटवा दिया था। तो ये देखिए हर साल खूब सारे प्लांट्स निकल आते हैं, तो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। कोई कुछ केयर नहीं, बस पानी, बस पानी दिया इसको, कोई खास को कुछ भी केयर नहीं की मैंने इसकी। तो ये मेरा नीम का प्लांट है। नमस्ते जी, शुक्रिया जिन मेरे भाई बहन ने इसको इसके अपडेट की फरमाइश की थी, तो होप करती हूँ कि ये उनको वीडियो ये पसंद आया होगा।